Hello class 5, I am Vijay Kumar, computer science teacher. Your computer book will be changed and new book will be published. Bandy Fox, book name is Bandy Fox, it is publications. In this chapter, we have to many chapter cover in this session. The first chapter is computer memory and second is computer software, which is already deal in fourth class. Here is computer memory, the first chapter, and second one is computer software, and third one is applying style and effect and working with tables using mail merge. This is the part of MS Word, which is already teach. And next is introduction to Excel padhna hai isme, uske se multimedia, uske se introduction to scratch. Scratch jo hai ye aapka new term hai, new chapter hai is book mein. Uske baad se kuch project yahan pe hum log dekhenge, uske baad se kuch model paper, yahan pe do model paper diya hua hai, theek hai. To overall ye aapka pura syllabus ho gaya computer science ka class 5 ke liye, aap log ke liye. To aaj main jo video bana raha hu wo hai aapka computer memory chapter 1 se. और मैं प्रत्येक मतलब फ्राइडे या सैटरडे दो दिन हो सकता है, दो दिन मैं आपको क्लास लूँगा 9 से 10 बजे तक. तो आप लोग टाइम पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस चैप्टर 1 से. आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे कंप्यूटर मेमोरी चैप्टर 1. इसमें आपको डिवाइस को पहचानना है कि कौन कौन सा डिवाइस यहाँ पे है दिया हुआ आपको. जैसे ये डिवाइस क्या है, ये डिवाइस पेन ड्राइव. ये डिवाइस क्या है, डीवीडी. ये सीडी, डीवीडी ड्राइव है ये, सीडी. ये क्या है, फ्लॉपी डिस्क, जो आज के डेट में इसका यूज नहीं होता है, इसको रिडक्स कर दिया है. सीडी और डीवीडी, डीवीडी और सीडी आता है इसके जगह पे. ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट यहाँ पे देखिए टॉपिक आपका दिया, क्या दिया हुआ है. फर्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है यहाँ पे, मैं यहाँ पे बिट्स और बाइट्स. तो फर्स्ट आपका टॉपिक है बिट्स एंड बाइट्स. तो इसको एक मैं स्क्रीनशॉट करके रखा हूँ, उसके में मैं जा रहा हूँ वहाँ पे और आपको बिट्स और बाइट्स में डिफरेंस समझा रहा हूँ. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पूरा फार्मूला आपका दिया हुआ है. वन बाइट इक्वल टू एट बिट्स होता है यहाँ पे. वन बाइट इक्वल टू एट बिट्स, इसका मतलब पता चलता है कि बाइट जो है वो बड़ा मेमोरी यूनिट है और बिट्स जो है वो छोटा मेमोरी यूनिट है. मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि एक बाइट में एट बिट्स कैसे होते हैं. तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से ड्रॉ कर लें, इसको ऐसे ड्रॉ कर लें. यहाँ पे एक मैं ये बना रहा हूँ बाइट्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8. तो ये जो है ये पूरा टर्म को हम लोग बोलेंगे बाइट्स, BY बाइट्स. ये बाइट्स हो गया और ये जो छोटा छोटा सेगमेंट दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसको बोलेंगे, ये जो दिख रहा है इसको बोलेंगे बिट्स. ये हो गया बिट्स. तो एक बिट्स में, एक बाइट में, वन बाइट में आपका 8 बिट होता है. काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7. ये स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो से होता है. 0 1 2 3 करके कहाँ तक, 7 तक रहेगा. तो 1 बाइट इक्वल टू आपका होता है 1 8 बिट, जो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है. 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है. तो ये होता है बाइट जो होता है वो, एक बाइट इक्वल टू 8 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है, ठीक है. याद करेंगे ये सारे फार्मूला आपको याद करना होगा. 1 किलोबाइट, के बी मतलब किलो बाइट, किलो बाइट इक्वल टू 1020 MB होता है, 1020 बाइट्स होता है, ठीक है. 1 MB इक्वल टू आपका 1020 किलो बाइट्स होता है यहाँ पे. उसके बाद से 1 GB इक्वल टू 1020 MB होता है. इसी तरह 1 TB इक्वल टू आपका 1020 GB होगा. 1 PB इक्वल टू आपका 1020 TB यानी टेराबाइट होगा. और 1 EB इक्वल टू आपका 1 EB इक्वल टू आपका 1020 PB होगा. और 1 ZB इक्वल टू आपका इतना होता है 1020 EB. ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है. मैं फिर से चलता हूँ आपके बुक की तरफ.
जो आपका बुक में है। नेक्स्ट ये आई थिंक मुझे समझ में, आप लोग को लगता है समझ में आ गया होगा। उसके बाद से चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आपका जो है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी ये टॉपिक में मैं इसको देखते हैं, इसको भी समझने के लिए एक स्क्रीनशॉट लेकर रखा हूँ, मैं उस पर जाता हूँ कंप्यूटर मेमोरी में आपको समझाने के लिए। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है उसको बताने के लिए स्क्रीनशॉट पे चले, ये हो गया आपका कंप्यूटर मेमोरी। ये नोट्स आप करते जाएंगे, ये हो गया कंप्यूटर मेमोरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट्स कॉपी में अच्छे प्रॉपरली तरीके से इसको नोट्स कर लेंगे। तो मेमोरी सबसे पहले हम डील करेंगे, मेमोरी क्या होता है। मेमोरी कंप्यूटर में कोई भी डाटा रखते हैं तो कहाँ पे स्टोर होता है, डाटा जो स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, मेमोरी में आपका स्टोर होता है। मेमोरी रिक्वायर्ड टू डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, मेमोरी जो है वो किस लिए ज़रूरत पड़ता है, डाटा स्टोर करने के लिए और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। मेमोरी जो है वो डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, कहाँ पे करता है, सीपीयू में करता है। कहाँ पे, सीपीयू में, चूँकि मेमोरी कहाँ होता है, हमारा सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि नेक्स्ट पॉइंट आपका डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एक्सेस थ्रू मेमोरी एड्रेस। डाटा जो मेमोरी में होता है उसको एक्सेस कैसे करते हैं, मेमोरी एड्रेस के थ्रू। सपोज यहाँ पे ए एक क्या हो गया, डाटा हो गया, तो इसका कुछ एड्रेस होगा, मान लीजिए 124 यहाँ पे 923 कुछ भी इसका एड्रेस होगा। तो कंप्यूटर में डायरेक्टली डाटा स्टोर नहीं होता है, किसके थ्रू होता है, एड्रेस के थ्रू होता है, इसके थ्रू होता है, एड्रेस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं मेमोरी फिजिकली, मेमोरी फिजिकली ऑर्गेनाइज एज अ लार्ज नंबर ऑफ सेल डेट आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ईच। अभी मैंने बताया था यहाँ पे, आप यहाँ से आके देखें, यहाँ पे मैं बताया था आपको, यहाँ पे वन मिनट, यहाँ पे मैं बताया था आपको कि वन बिट को इतना जो स्टोर होता है आपका, दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे जो वन बाइट इक्वल टू, ये फार्मूला था, ये वन बाइट इक्वल टू कितना बिट, 8 बिट होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं बोल रहा था कि बाइट जो होता है वो स्टोर होता है ऐसे फॉर्म में स्टोर होता है, ये ऊपर ये पूरा यहाँ से लेके ये बाइट होता है और फिर यहाँ से इसके अंदर बाइट के अंदर 8 बिट होता है, जो कहाँ से स्टोर होता है, 8 बिट जो होता है वो जीरो से एड्रेस होता है, 0 1 2 3 इस तरह करके वो मेमोरी में स्टोर होता है। अभी समझ में आया, ये 1 बाइट इक्वल टू हम लोग का 8 बिट होता है, 8 बिट होता है और ये 0 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक रहता है, 7 तक रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं 8 बिट्स और इसको पूरे लेंथ को 1 बाइट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट यहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कंप्यूटर मेमोरी में, फिर से चलते हैं कंप्यूटर मेमोरी, आइए ये हो गया कंप्यूटर मेमोरी का आपका, यहाँ तक मैं बता दिया हूँ। उसके बाद से यहाँ तक मैं बता चुका था आपको, उसके बाद से मैं बता रहा हूँ मेमोरी जो होता है वो जनरली टू टाइप्स का होता है। मेमोरी जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरनल भी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोला जाता है। बहुत सारे बुक में एक्सटर्नल भी बोलते हैं और बहुत सारे बुक में इंटरनल भी बोलते हैं, तो इंटरनल और एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी एक्सेस बाई प्राइमरी मेमोरी, सॉरी मैं यहाँ पे ये कर दिया, प्राइमरी मेमोरी एक्सेस बाई डायरेक्टली बाई प्रोसेसर। प्राइमरी जो मेमोरी होता है वो एक्सेस किया जाता है डायरेक्टली प्रोसेसर के थ्रू। इट इज़ फास्टेस्ट मेमोरी, टाइम टू स्टोर और रिट्राइव अ वर्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एड्रेस। ये जो प्राइमरी मेमोरी है वो डायरेक्टली प्रोसेसर के थ्रू स्टोर किया जाता है, ठीक है, और ये फास्ट स्टोर होता है कंप्यूटर में, प्रोसेसर में ये फास्ट स्टोर होता है और ये एड्रेस पे डिपेंड नहीं करता है। सपोज यहाँ पे एक ए लिए और ये डाटा हो गया मेरा ए, और उसके बाद से यहाँ पे एड्रेस कुछ होगा, तो ये एड्रेस पे डिपेंड नहीं होगा, ये डायरेक्टली कंप्यूटर के प्रोसेसर में स्टोर होता है, इसलिए ये क्या होता है, मेमोरी फास्ट होता है। तो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मतलब कंप्यूटर ऑन है, जब तक कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं तब तक वो डाटा आपका कंप्यूटर पे रहेगा, जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा तो वो डाटा आपका क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। तो कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो वोलेटाइल होता है, जब तक हम काम करेंगे, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक डाटा रहेगा, उसके बाद से इरेज हो जाता है। फिर उसके बाद से प्राइमरी मेमोरी,
टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज एक्सपेंसिव, जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो महंगा होता है, जैसे रैम हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी में आता है, ये बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद से आते हैं सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का आपका दिखाते हैं। देखिए ये डायग्राम हो गया, प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो टाइप का होता है, पहला जो प्राइमरी मेमोरी का आप डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे अच्छी तरीके से, पहला जो हो गया वो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, पहला जो हो गया वो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, दूसरा जो हो गया रीड ओनली मेमोरी जिसको रोम बोलते हैं, और रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैम बोलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी को, इस पार्ट को हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, डी रैम और एस रैम, डी रैम एंड एस रैम, सबका यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है आप देख लेंगे। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम का फुल फॉर्म होता है आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। उसके बाद से प्राइमरी मेमोरी का एक और पार्ट होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी को रोम बोलते हैं, और रोम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है, पी रोम एंड ईपीरोम, पीरोम और ईपीरोम। तो पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम, और ईपीरोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामर रोम। ये आपका दो टाइप का मेमोरी आता है, जो किसके अंदर आता है, रोम के अंदर आता है। रोम किसके अंदर आता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर, प्राइमरी मेमोरी किसके अंदर आता है, मेमोरी के अंदर आता है, ठीक है। तो ये डाटा आप मतलब याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से ईपीरोम को हम लोग दो पार्ट में, फिर डबल ईपीरोम और उसके बाद से यूवी ईपीरोम में डिवाइड किया हुआ है। फाइव क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, ये स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, और कंप्यूटर में, कंप्यूटर नोट्स में आप इसको नोट्स करेंगे, ठीक है, और मुझे वीडियो देखने के बाद नोट्स करके अपना नोट्स मुझे सबमिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद से मैं चलता हूँ बुक पे, आपका नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा मैं अभी डील नहीं किया सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, मैंने आपको नहीं बताया, तो सेकेंडरी मेमोरी का मैं पोर्शन निकाल रहा हूँ यहाँ पे। सेकेंडरी मेमोरी आपका क्या होता है, देखिए सेकेंडरी मेमोरी का मैं डेफिनेशन देख रहा हूँ जहाँ तक मिल रहा है। देखिए सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, यहाँ पे आपका सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, मतलब कंप्यूटर ऑन हो या ऑफ हो उससे कोई मतलब नहीं रहता है, कंप्यूटर ऑन ऑफ भी हो जाएगा तो आपका डाटा वहाँ पर रखा हुआ रहेगा, जबकि प्राइमरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता है। प्राइमरी मेमोरी में कंप्यूटर ऑफ होने के बाद डाटा भी इरेज हो जाता है, बट ऐसे सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, मतलब इससे पावर ऑफ ऑन से कोई मतलब नहीं है, डाटा हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। दूसरा नंबर कि इसमें लार्ज कैपेसिटी टू ट्यून ऑफ टेराबाइट्स, मतलब इसमें डाटा जो स्टोर करने की कैपेसिटी है वो रैम से ज़्यादा होता है, मतलब आपका प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा होता है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं डाटा, जिसमें आपका हार्ड डिस्क आता है वो भी स्टोर होता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, चीपर एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी से क्या होता है, ये बहुत सस्ता होता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी मेमोरी से आपसे क्या होता है, बहुत सस्ता होता है, ठीक है। तो उसके बाद से अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का टाइप्स क्या है उसको देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट हम निकाल रहे हैं एक मिनट, उसके बाद से आइए सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, फिक्स पार्ट ऑफ सीपीयू मेमोरी, फिक्स होता है पार्ट जो होता है सीपीयू मेमोरी का वो फिक्स होता है, और ये रिमूवेबल भी होता है। प्राइम सेकेंडरी मेमोरी पहले बताया, हार्ड डिस्क आता है, पेनड्राइव आता है, ये सब क्या होता है, रिमूवेबल भी होता है, मतलब इसको हम लोग अटैच भी कर सकते हैं और इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी में आपका बेसिक दो होता है, फिक्स पार्ट ऑफ सीपीयू मेमोरी और रिमूवेबल मेमोरी। इसके अंदर फिक्स हम लोग टाइप्स इसका देखते हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी आपका दो पार्ट में, फिक्स डिवाइस और रिमूवेबल डिवाइस, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिक्स डिवाइस और रिमूवेबल डिवाइस। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, ऑप्टिकल डिवाइस और फाइबर ऑप्टिक्स डिवाइस, मैग्नेटिक डिवाइस और ये फाइबर ऑप्टिक्स डिवाइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेमोरी है आपका, तो सेकेंडरी मेमोरी को फिक्स मेमोरी और रिमूवेबल मेमोरी में डिवाइड किया गया हुआ है। तो फिक्स डिवाइस के अंदर हार्ड डिस्क आता है, सीडीडी, डीवीडी, ये सब ड्राइव आता है, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको हम लोग एचडीडी बोलते हैं, और सीडी, डीवीडी जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर आता है, ये होता है कि क्या होता है, फिक्स डिवाइस, फिक्स डिवाइस में जो ऑलरेडी हमारा कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के सीपीयू में ऑलरेडी हार्ड डिस्क पहले से स्टोर होता है, वहाँ पे पहले से लगाया हुआ रहता है, और सीडी, डीवीडी ड्राइव भी वहाँ पे पहले से होता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स डिवाइस बोलते हैं, जो ऑलरेडी पुटेड इन द कंप्यूटर होता है, ठीक है। उसके बाद से रिमूवेबल डिवाइस, ऐसा डिवाइस जिसको हम लोग
कंप्यूटर से अटैच कर दे और टाइम पे उसको निकाल सके, उसको रिमूव कर सके, तो ऐसे डिवाइस को रिमूवेबल डिवाइस बोलते हैं। उसमें दो टाइप का होता है, पहला नंबर आपका होता है पेन ड्राइव, दूसरा नंबर होता है ब्लू रे डिस्क। ये दोनों डिस्क आपका दोनों मतलब डिवाइस क्या होता है आपका रिमूवेबल डिवाइस के अंदर आता है। ओके, तो हार्ड डिस्क मैंने बता दिया था हार्ड डिस्क क्या होता है। इट इज़ मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ रहता है, लाइक एल्युमिनियम अलॉय, जैसे कि एल्युमिनियम का जो चादर होता है उस तरह का, एंड कोटेड विथ द 10 to 20 mm ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, और ऊपर से कोटेड किया हुआ रहता है 10 to 20 डायमीटर ऑफ 40 इंचेस का इसका डायमीटर होता है, जो मैग्नेटिक डिवाइस का ये होता है इसका, वो 10 to 20 mm मैग्नेटिक मटेरियल होता है और उसका जिसका डायमीटर होता है 40 इंचेस। ठीक है, उसके बाद से आते हैं इसमें सेकेंडरी डिवाइस में, और भी बहुत सारे डिवाइस है जैसे कि सीडी क्या होता है, पेन ड्राइव क्या होता है, ये सब के डिवाइस में। तो इसके लिए हम देखते हैं पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के बारे में बता दे रहे हैं आपको। ये भी किसका डिवाइस है, रिमूवेबल डिवाइस है, रिमूवेबल डिवाइस का एग्जांपल है, यानी सेकेंडरी रिमूवेबल डिवाइस या रिमूवेबल मेमोरी के अंदर आता है। ठीक है, तो पेन ड्राइव जो हो गया, इट इज़ पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस डेट इज़ यूज सॉलिड स्टेट मेमोरी रदर देन मैग्नेटिक फिक्स। मतलब उससे ज़्यादा क्या होता है, पोर्टेबल होता है, इसको हम लोग हाथ मतलब पैकेट में भी रख सकते हैं, इसको कहीं कैरी भी कर सकते हैं इजीली तरीके से, तो इसलिए ये क्या होता है फिक्स मैग्नेटिक, इसके अंदर फिक्स मैग्नेटिक फिक्स किया हुआ रहता है, जो डाटा को क्या करता है स्टोर कर लेता है, तो इसको हम लोग पेन ड्राइव बोलते हैं। और ये किस लिए यूज होता है, यूज आ टेक्नोलॉजी सिमिलर टू रैम, सिमिलर जैसे मतलब रैम में जैसे डाटा स्टोर होता है इसी तरह इसमें भी डाटा ही स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो नॉन वोलाटाइल मेमोरी। एक बार पेन ड्राइव के अंदर अगर कोई डाटा हम रख लेते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो इरेजेबल नहीं होगा किसी भी कंडीशन पे, जब तक वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है, मेमोरी कंप्यूटर से निकाल भी देंगे तो वो किसके अंदर स्टोर हो जाता है, पेन ड्राइव के अंदर स्टोर हो जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। ऑल्सो यूएसबी ड्राइव, की ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, ये सब भी क्या है आपका पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव का ही एक टाइप से जो डाटा स्टोर करने का काम आता है। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस ये भी एक टाइप का पोर्ट्स होता है, डिवाइस ही होता है जो डाटा स्टोर करने का काम आता है। नेक्स्ट आते हैं ब्लू रे डिस्क क्या होता है। ब्लू रे डिस्क आप लोग नाम सुने होंगे, ब्लू रे डिस्क इट इज ऑप्टिकल मीडिया यूज टू स्टोर हाई डेफिनेशन HD वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल। जो HD क्लैरिटी का जो मीडिया होता है जैसे पिक्चर वीडियोज ये सब होता है, वो किसके अंदर स्टोर किया जाता है, ब्लू रे डिस्क के अंदर स्टोर किया जाता है। ये भी एक ऑप्टिकल मीडिया, ऑप्टिकल मीडिया मतलब ये आपका फाइबर ऑप्टिक्स यहाँ पे यूज़ किया हुआ रहता है, जो मल्टीमीडिया फाइल्स को क्या करता है, HD मल्टीमीडिया फाइल्स को कैच करता है, उसके अंदर स्टोर करता है अपने अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ यूज टू शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर लार्जर लेजर एज कंपेयर CD और DVD। मतलब इसका वेवलेंथ क्या होता है, CD या DVD से कम होता है, इसलिए इसको स्टोर करना बहुत इजी होता है। और इट कैन बी स्टोर अप टू डाटा 128 GB, मतलब 128 GB डाटा ये क्या कर सकता है, ब्लू रे स्टोर कर सकता है। इसलिए क्यों स्टोर इतना रेंज है, चूँकि ये HD क्वालिटी का वीडियोज और मल्टीमीडिया स्टोर करता है, सो इसलिए ये थोड़ा स्टोरेज इसका कैपेसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद से फिर नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, CD DVD क्या होता है। CD DVD ये देखिए, CD DVD मैं बता दे रहा हूँ पहले, DVD ड्राइव क्या होता है। DVD ड्राइव स्टैंड डिजिटल वीडियो डिस्प्ले, DVD ड्राइव का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वीडियो डिस्प्ले, नोट कर लेंगे आप इसको कॉपी में। DVD आर ऑप्टिकल डिवाइस, कैसा डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है डेट कैन स्टोर 15 times द डाटा हेल्ड बाई CDs। मतलब CD से 15 times क्या करेगा, ज़्यादा डाटा स्टोर करेगा, किस में, DVD ड्राइव में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज टू रिच मल्टीमीडिया फाइल्स हाई स्टोरेज कैपेसिटी। और हाई कैपेसिटी इसमें होता है मल्टीमीडिया, मतलब जो हाई क्वालिटीज़ का वीडियो होते हैं उसको स्टोर करने का कैपेसिटी इसमें ज़्यादा होता है। दे कैन कम इन 3 वेराइटीज, 3 टाइप्स में आते हैं, रीड ओनली में आते हैं, रिकॉर्डेबल में आते हैं और रीराइटेबल में आते हैं। रीड ओनली मतलब जिसमें हम लोग सिर्फ वीडियो को रीड कर सके, उसमें कुछ हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग रीड ओनली बोलते हैं। रिकॉर्डेबल मतलब इसको हम लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, डाटा जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं। रीराइटेबल मतलब उस CD उस DVD ड्राइव में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें फिर से हम लोग अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं DVD ड्राइव। नेक्स्ट आइए, मैं ये बुक पे आपका जा रहा हूँ,
बुक पे आपका इंटरनल मेमोरी हो गया, आपका इंटरनल मेमोरी समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। उसके बाद से इंटरनल मेमोरी आपका दो होता है, जो मैंने बताया था, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या फिर आपका इंटरनल मेमोरी, यही तीनों का मतलब एक ही होता है। उसके बाद से रैम नहीं बताया मैंने आपको, रोम नहीं बताया, मैं रैम और रोम के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके लिए मैं चलता हूँ अपना स्क्रीन शॉट पर, उसके बाद से मैं बता रहा हूँ आपको रैम और रोम क्या होता है। तो डेफिनेशन के लिए आप इसे नोट कर लेंगे, रैम और रोम। तो इस पॉइंट पे आ गए, रैम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, रोम, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। कैन बी रीड बाय द प्रोसेसर, जो प्रोसेसर के थ्रू क्या करता है, रीड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डाटा टू बी स्टोर रिटर्न ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग फेज। जब इसमें डाटा, जब इसको बनाया जाता है उस समय वो इसको क्या कहता था, उसी टाइम उसमें डाटा स्टोर कर दिया जाता है। जैसे सीडी होता है, बना आता है ना मार्केट में, जैसे मूवी सीडी आता है उसमें हम लोग घर ले जाकर उसको प्ले कर सकते हैं। उसके बाद से कंटेंट डाटा डज नॉट नीड टू अल्टरनेशन, मतलब इसमें डाटा फिर से स्टोर करने का नहीं कर सकते हम लोग, ऑलरेडी यहाँ पे होता है। स्लोअर एंड हैंस सिफर देन रैम, ये रैम्स जो होता है हम लोग का रैंडम एक्सेस मेमोरी से क्या होता है, सस्ता होता है और उससे स्लो चलता है, मतलब स्लो काम करता है रोम, ठीक है। उसके बाद से आपका आते हैं रैम, रैम पे आते हैं, रैम का आपका डिवाइस में रैम देख रहा हूँ, एक मिनट, नोट्स थोड़ा इधर उधर हो गया है। रैम वन मिनट, मैं आपको दिखा रहा हूँ रैम कहाँ गया। रैम ये रहा आपका रैम, मैं रैम को भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, रैम क्या होता है। तो रैम आपका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड पॉइंट है प्रोसेस एक्सेस अलाउ मेमोरी एड्रेस डायरेक्टली, मतलब जो डाटा होता है, डाटा का ये क्या करता है, उसके एड्रेस को डायरेक्टली एक्सेस करता है, डाटा का एड्रेस को डायरेक्टली एक्सेस करता है। थर्ड पॉइंट अवेलेबल इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज अप टू 1 GB, ठीक है, और ये 1 GB तक अवेलेबल होता है, वेरी स्मॉल क्वान्टिटी, बहुत छोटा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, 1 GB तक अवेलेबल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, वोलाटाइल होता है, मतलब ये वोलाटाइल होता है, मतलब ये आपका डाटा है तो फिर ये बाद में क्या होगा, इरेज हो जाएगा जब कंप्यूटर ऑफ होगा। तो रैम भी आपका बताए थे पहले, डी रैम होता है, डायनेमिक और स्टैटिक रैम होता है, ठीक है। तो डायनेमिक क्या होता है, इच मेमोरी सेल मेड ऑफ 1 ट्रांजिस्टर ऑन कैपेसिटर, ये आप लोग को इसमें नहीं पढ़ना है, ये ज़्यादा आपका चैप्टर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगला क्लास में आप लोग इसको नोट्स कर लेंगे और नोट्स करने के बाद इसको आप मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर अगला फ्राइडे को मैं स्टार्ट करूँगा आपका इससे आगे का क्लास। मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको अभी आपका इस चैप्टर में क्या क्या बचा हुआ है। तो स्टोरेज डिवाइस हो गया, हार्ड डिस्क हो गया आपका, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, डीवीडी, डीवीडी भी हो गया, प्लस मेमोरी कार्ड भी हो गया लगभग। ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो गया है। अगले दिन मैं आपको ये चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से मैं यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन दूँगा जो आपको बनाना होगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको देखिए और जिसको डाउट है वो मेरा नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, जिसको भी डाउट है, या फिर व्हाट्सएप में ही आप शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।